आपको बता दूं कि बिग बॉस मेकर्स, क्रिएटिव मेकर्स जो है वो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट प्लान कर रहे हैं बिग बॉस के घर में, रूबीना दिलायक और अभिनव शुक्ला को सेपरेट करने का। कैसे और क्यों, चले आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। आप काफी समय से बिग बॉस के घर में एक चीज जो है वो नोटिस कर रहे होंगे, जहां पर हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, स्पेशली राहुल वैद्य और जैस्मिन वसीम, कि रूबीना दिलायक और अभिनव शुक्ला को अलग अलग कर देना चाहिए। इनफैक्ट अर्शी खान भी ये बात कहती हुई नजर आई थी। तो यहाँ पर इन दोनों को अलग करना चाहिए, तब गेम समझ में आएगा कि रूबीना जो है वो उनकी ताकत टूट जाएगी, यानी कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी और शायद से वो इस गेम से एग्जिट लेना चाहेंगी। अब देखो ऐसा होगा या नहीं होगा वो नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो सोर्सेस की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्गली खबरें सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में, क्योंकि घर के सभी कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड है, तो इसके लिए प्लानिंग चल रही है कि अभिनव शुक्ला को बिग बॉस के इस घर से निकाल के सीक्रेट रूम में भेज दिया जाएगा। वहां से अभिनव जो है वो सारा गेम देख पाएंगे, लेकिन रूबीना को ये बात नहीं पता होगी कि अभिनव को निकाल दिया गया है या उसे सीक्रेट रूम में रखा गया है। देखो मेकर्स की तरफ से ये स्ट्रांगली खबरें सामने आ रही हैं। अब बता दूं आपको कि हर कोई ये, अब बिग बॉस मेकर्स भी ये देखना चाहते हैं कि रूबीना का गेम बदलता है या रूबीना वैसे ही खेलती है, रूबीना और अच्छा खेलती है, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं अभिनव शुक्ला ही है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर, हाँ मैं कह सकती हूँ कि कई चीजों में मेंटली जो एक स्ट्रांगनेस, जो एक ताकत चाहिए होती है, वो कहीं ना कहीं अभिनव शुक्ला से मिल रही होगी। जायज बात है, एक फैमिली मेंबर अगर आपके साथ में, स्पेशली योर हस्बैंड, तो कहीं ना कहीं आप एक हल्का महसूस करते हो, आपके अंदर एक ताकत आ जाती है। लेकिन अगर गेम की बात की जाए तो रूबीना दिलायक ने अपना गेम अपने ही दम पर खेला है, जहां पर अभिनव शुक्ला भी अपने दम पर ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो यहाँ पर रूबीना का कोई रोल है, ना यहाँ पर कोई अभिनव का रोल है, दोनों अपना अपना गेम खेल के देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर मेकर्स ऐसा करते हैं तो हो सकता है हमें अलग कोई चीज देखने को मिल सकती है। हो सकता है एक हफ्ते के लिए रूबीना जो है वो गेम में उतनी स्ट्रांग नजर ना आए जितनी की फिलहाल अभी आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल उठाना चाहूंगी, यहाँ पर कई बार जैस्मिन को देखा गया है कि जैस्मिन भी कहती है कि, जैसे उन्होंने यहाँ पर वीकेंड के बार पर भी कहा था कि जो मुझे कमजोर बोल रही है वो खुद अपने पति के दम पर पहले दिन से यहाँ पर है, बिग बॉस के घर में है। देखो यहाँ पर किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ मैं, ना तो किसी पे पॉइंट आउट कर रही हूँ, जो रियालिटी हम देख रहे हैं हम आपको वही बताते हैं। अब यहाँ पर जैस्मिन ने ये बात कही तो यहाँ पर ये वाली बात भी तो आती है ना कि अगर जैस्मिन को भी अगर मेंटल सपोर्ट अगर मिल रहा है तो उनके लिए भी तो एली होनी है ना, एली के साथ में बात करना, टाइम स्पेंड करना। इनफैक्ट एली के आने के बाद से तो जैस्मिन का पूरा गेम ही पलट गया है, जैस्मिन दिख ही नहीं पाती है जिस तरीके से वो पहले दिख रही थी, पहले के चार हफ्ते दिखती हुई नजर आई है, उसके बाद में तो एली के पास तो उतना नजर भी नहीं है। इनफैक्ट जब वो एली चले गए थे तब भी वो अच्छे से खेलती नजर आती। खैर अब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बिग बॉस मेकर्स को इस तरह का डिसीजन जो है वो लेना चाहिए, क्या बिग बॉस मेकर्स को अभिनव शुक्ला को सीक्रेट रूम में भेजना चाहिए और रूबीना को चेक करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए या नहीं? वेल, राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।